हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बाड़मेर में कोरोना के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को जिले में कोरोना के एक साथ 17 नए केस सामने आए। वहीं गुरुवार को एक HRC टीम पॉजिटिव महिला ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना के संदिग्ध लक्षणों के चलते महिला का उपचार शुरू किया। महिला के HRCT पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसका इलाज कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चला, लेकिन HRCT रिपोर्ट में 17 स्कोर आने और हालत में कोई सुधार नहीं आने से उसकी मौत हो गई। मृतिका के परिजनों ने कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए मृतिका पार्वती देवी पत्नी भूराराम जाति जाटिया उम्र 75 जिसका CT रिपोर्ट 17 था उसके शव को रिसीव किया और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई लोग HRCT पॉजिटिव पाए जाने से काल का ग्रास बन चुके हैं। HRCT पॉजिटिव को कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाता है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव में नहीं गिना जाता। बाड़मेर में कोरोना ने अब तक 270 के करीब लोगों की जान ले ली। वहीं HRCT रिपोर्ट में जान गंवाने वाले लोगों की बात करें तो अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के पास इसका कोई आंकड़ा भी नहीं है। हालांकि कई लोग इससे अब तक जान गंवा चुके हैं। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।